पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्या बात है, आज पूरा नारायण परिवार सबके सब एक साथ आए। उदित जी नमस्ते। नमस्ते दीपा जी। हाय श्वेता। हाय आदित्य। हाय। हाँ उदित जी, ये बिंदु है, ये ऐसे हाय हाय करके सबके गले पड़ जाती है। शर्मा जी बिहेव योरसेल्फ, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। आदित्य आज पहली बार श्वेता के साथ शो में आए हैं, मतलब मुझे अच्छे से वेलकम तो करनी। वैसे करो ना जैसे तुम बाकी करती हो, शादियों में जाती मुंह में पानी भर के ना फुहारा छोड़ती है। और कभी कभी क्या बराती इधर होते लड़की वाले इधर फिर उंगली रख लेती और दो धार छोड़ती है। के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। अच्छा तो पीछे जो बैठी है साबुन की झाग निकाल के बुलबुले गिन रही थी तुम, वो बड़ा तुम बिजी काम कर रही थी। एक चीटी चलती जा रही है उसको यहाँ से उठा के लाई, कहती शुरू से। ऐसी ऐसी हरकतें करती मैं बता नहीं सकता आपको। दीपा जी आप ही बोलिए, मतलब सब में थोड़ा बहुत बचपना होना चाहिए। करेक्ट, एकदम एब्सोल्युटली राइट। बचपना होता है, पर दीपा जी ऐसा बचपना छिपकली की पूंछ पे धागा बांध के दीवार पे चढ़ रही है और बोलती मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में ना मेन बात बोलना ही भूल गई। मैं सुबह से मैंने बड़े मम्मी और बड़े पापा को घर में देखा नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें आइडिया है? पहली बार तुमने कोई खुशी खबर सुनाई है। काश भगवान करे उनका किसी ने किडनैप कर लिया हो, वो मुझे फोन करे फिरौती के लिए, मैं उनको गालियां देके और गुस्सा चढ़ा दूं। और उसके बड़े पापा को छोटे छोटे कितने सारे पापा बनाए, वो तंग करने आ जाती है। शर्मा जी शुभ शुभ बोलिए, मुझे लगता है ना वो नाराज होके कहीं चले गए। ये कल रात को आपने बड़े पापा को टोका था ना डिनर पे? टोका नहीं था, मैंने रोका था उनको। उदित जी एक पतीला दाल का खाया उस भाई साहब ने, 105 रोटियां खा के बोलता नमक ठीक है खाना लगा दो अब। ऐसा इनका बड़ा पापा आप देखो आप। लेकिन ये बिना पूछे क्यों आई? अरे बिना पूछे ही आती है, इसका दुनिया में भी किसी ने बुलाया नहीं था, आ गई। नहीं नहीं, इसका कारण है। क्या कारण? कि यहाँ सुर और संगीत के लोग बैठे हुए हैं। अब वही तो, फिर इसका काम क्या है? जब सुरीले लोग बैठे हुए हैं, ये थोड़ी कि आपके कोट के साथ साड़ी मैच करती तो मुंह उठा के आ जाए। मतलब नजर है। संगीत में वो ताकत है कि लोग बिन बुलाए भी आ जाते हैं। तो संगीत में ऐसी ताकत नहीं है कि बिन बुलाए वालों को वापिस भी भेजा जा सके? देखो कौन आया है। उदित जी नमस्ते। नमस्ते आदित्य जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते श्वेता जी। नमस्ते। अरे आपके गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए, दामाद का खाना खा के चौड़े हुए। ये है भाई साहब। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।